यार सिंचन, मैंने तो सोचा था कि आज भाई बीच पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन सिंचन यहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हाँ तो अच्छा करा ना फ्रेंगल भी हम यहाँ पर आ गए। और क्या सिंचन, बहुत अच्छा करा, एकदम मजा ही आ रहा है गाइस। यहाँ पे एकदम खुला खुला है, वरना तो गाइस हमेशा भाई यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ ही रहती है। लेकिन गाइस एक बार ये चेक करो भाई, यहाँ पर बीच पे पता नहीं लोगों को हो क्या गया। पता नहीं भाई किस तरीके से घोड़े बीच कर सो रहे हैं। भाई बताओ ऐसे कोई सोता है क्या? अरे भाई अपने घर पर ही सो जाना बेड पर, यहाँ पर सो रहे हो मिट्टी के ऊपर। या तो भाई ये बंदे यहाँ पर भी सो सकते थे, लेकिन नहीं, ये बंदे सो रखे हैं यहाँ पर। चलो छोड़ो गाइस, मुझे इनसे क्या ही लेन देना। और गाइस ये चेक करो भाई, मेरे पास है गाइस एक फिलियर गन, जिसे गाइस मैं लेकर आऊं यहाँ पर भाई बीच पे मौज मस्ती करने के लिए। अरे फ्रेंगल भी यार, अगर तुम्हें दम है तो फ्रेंगल भी से पानी में फेंक के दिखाओ। दम की बात कर रहा है सिंचन, वो देख मैंने कितनी पहले चलाई थी, और देख सिंचन वो पानी के अंदर ही गई है। अरे हाँ सही कह रहे हो, लेकिन वेट यार, वो लोग भाग रहे हैं। अबे फिलियर गन की आवाज से भाग रहे हैं क्या वो? अरे मुझे तो लग रहा है इस पक्का यार, वो इसी गन की आवाज से सुन के भाग रहे हैं। अब बात सब सिंचन, मैं क्या कह रहा हूँ, बात सब कलवे से एक बार बात सब मेरे को दिखवा दे, उसके बाद देखियो बात सब को ले जो दो यहाँ पर आदमी लेट रखे हैं ना, बात सब अभी उठा दूंगा इनको। वैसे गाइस एक बार इस वाले ट्रक को चेक करो भाई, ये कितना यूनिक ट्रक है यार। सिंचन क्या बोलता है, ये मॉन्स्टर ट्रक है क्या? अरे नहीं यार, मॉन्स्टर ट्रक ऐसे थोड़ा ना होगा, वो तो काफी यूनिक होता है। हाँ तो सिंचन ये भी तो काफी यूनिक है, देखना कितना लंबा है, कितना बड़ा, और साथ ही साथ में गाइस इस पे पता नहीं भाई किस तरह का डिजाइन बना रखा है। सामने से तो गाइस काफी बढ़िया है यार, कोई भी अगर गाड़ी इसके सामने आएगी ना भाई, उसकी गाड़ी को तो गाइस फुल टू फुल डैमेज कर देगा यार ये मॉन्स्टर ट्रक। और ये है किसका भाई, यहाँ पर आसपास मेरे को दिख भी तो नहीं रहा इसका ओनर। अरे काम करो तुम, चेक करो ये ओपन है या फिर नहीं है। अबे सिंचन ये तो अनलॉक है भाई, और इसके अंदर चाबी भी लगी हुई है। लेट्स गो, फिर चलेगा सिंचन घूमने। अरे रुको मिल्ली रुको, अब बात सब कलवे मत जा, बात सब पक्का फिर तो तेरे पे पुलिस केस होगा। अबे जवाब मैं कहीं जा थोड़ा रहा भाई, यहीं बीच पर ही तो चला रहा हूं इसको। क्या बोलते हो गाइस, ये जैसे इसके आगे भाई कांटे लगे, मैं इन बंदों के आगे जाकर देखूं क्या क्या होता है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। हेलो अंकल, हेलो। अरे बाप रे, मार दिया रे, मार दिया, कील जैसी चुभी है मेरे पेट में बड़ी तेज। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं। जाओ बच्चे जाओ, घर पर जाओ और वहां पर मौज मस्ती करो। वैसे यार धीरे धीरे करके गाइस यहाँ पर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे मेरे ख्याल से ये पक्का इसके अंदर जा सकता है, ये बहुत देर से यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं इसे ही देख रहा हूँ। अभी इसे बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी टनल है, अगर वो इसके अंदर जाएगा तो हम देख सकते हैं आखिरकार इस धरती के नीचे है क्या। मेरे को तो काफी डर लग रहा है, नीचे काफी अंधेरा है, उसे ही बुला के लाता हूँ, पक्का वो इसके अंदर जा सकता है। क्या पता हमको नीचे बहुत सारा खजाना मिल जाए। चलो जल्दी चलते है, मेरे तो पेट में अब गुदगुदी होने लगी। अरे भाइयों मेरे सामने से हट जाओ, तुम कर सकते हो क्या मेरा काम? अबे तूने मुझे गिराया कैसे, लगता है तेरी हड्डी तोड़नी पड़ेगी। अरे भाई लड़ क्यों रहा है, मेरी कैप फटा दी, ले बहुत महंगी कैप है, आज तेरी हड्डी तोड़ूंगा। अबे मेरे मारा तूने दोबारा, ये मिले ये मिले। अरे बाबरे मेरे में दम नहीं है इससे लड़ने का। अरे बचाओ बचाओ भाई, मुझे बचा लो यार, ये मुझे बहुत गंदी तरीके से मार रहे बेफालतू में। अच्छा तो ये बंदा है जो तेरे से लड़ रहे हैं, हाँ तो भाई तू इसे मार क्यों रहा है? अरे भाई ये क्या गन वन मत दिखाओ भाई, मेरे पास ये फिलियर गन है, एक बार तेरी खोपड़ी में मारी ना तेरी खोपड़ी में छेद हो जाएगा। भाई जाते रहो, लड़ाई वड़ाई मैं करता नहीं। अरे भैया बहुत अच्छा करा तुमने इन्हें भगा दिया। वैसे तो एक बात बता भाई, ये बंदा तेरे को मार क्यों रहा था? अरे भाई दरअसल हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मेरे पास क्यों आ रहा था भाई, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। अरे प्लीज भाई हमारी एक बात मानो, सामने की तरफ चलो, सामने भाई बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है, अगर तुम उसके अंदर जाओगे ना तो शायद जमीन के अंदर जा सकते हो, अंदर मेरे ख्याल से हमें खजाना भी मिल सकता है। क्या कहा यार, खजाना मिल सकता है? अरे फिर तो सिंचन आ भाई, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ, लेट्स गो भाई चलते हैं। कहाँ पर है भाई वो गड्ढा? अरे भाई सामने की तरफ है, सामने की तरफ। अरे फ्रेंगल भाई इसको भी बिठा ले, काम करो। अबे सिंचन ये खुद चल के नहीं आ सकता क्या? सामने की तरफ ये गड्ढा बता रहा है मेरे को तो कहीं। अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे कहीं यही वो गड्ढा तो नहीं है? अरे हाँ सिंचन भाई, मेरे ख्याल से भाई मेरे को भी यही लग रहा है। अरे हाँ सर ये। और सिंचन अंदर कितना अंधेरा है भाई, आई थिंक गाइस अगर हम अंदर जाएंगे तो शायद इस धरती के नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भाई किसने ये इतनी खुफिया टनल बना दी? अरे मेरे को तो लगता है फ्रेंगल भाई इस बंकर के अंदर ना पक्का हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ तो सिंचन भाई क्या बोलता है, चले क्या? लेकिन ऐसा ना हो सिंचन भाई, अगर हम नीचे जाएं और भाई हम कोई गंदे नाले के अंदर चले जाएं। वैसे तो गाइस ये पूरा का पूरा एक बीच है, समझ रहे हो, यहाँ पर नाला बनाना तो कोई लॉजिक वाली बात है नहीं। तो आई थिंक गाइस मेरे ख्याल से पक्का भाई किसी ने यहाँ पर एक बंकर बना रखी है। तो भाई लेट्स गो, फिर किस बात की देरी है, फटाफट से सिंचन चलते हैं। अरे जाओ जाओ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ सिंचन, पहले सबसे पहले तू जा। अरे मैं भी क्यों जाऊँ, उस बंदे को भेजो ना जिस जो बंदा हमारे पास आया था नंगा बंदा। अरे हाँ ये सही कह रहा सिंचन, उसको भेजते हैं सबसे पहले। अरे ये तो यार हमें भेजने की बात कर रहे हैं, अरे भाई हम क्यों जाए, अगर हमें जाना होता तो हम तुम्हें क्यों बताते, तुम जाओ ना सबसे पहले। अरे भाई मैं भी नहीं जा रहा। अरे भाई फिर तो मैं भी नहीं जा रहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन मैं घर क्यों जाऊँ, अगर मेरी पीठ के पीछे ये लोग चले गए इस गुफा के अंदर तो क्या होगा। अरे भाई चलो ना चलते, और तुम अंदर चलो, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ। अरे नहीं नंगे भाई पहले तू जा। अरे मैं नहीं जा रहा यार, मुझे लगता है डर, मैं जा रहा हूँ फटाफट से, मम्मी से पूछ के आऊंगा उसके बाद ही चलूंगा इस टनल में। अबे सिंचन भाई ये तो चले गया, क्या बोलता है सिंचन मेरे को जाना चाहिए क्या? भाई अगर इस बंकर के अंदर मैं गया, सोचो गाइस अंदर जाते भाई मेरे को गाड़ियों की कलेक्शन मिली
मिल गई तो क्या होगा। अरे वाह, फिर तो भाई बहुत ही मजे आ जाएंगे। लेट्स गो तो सिंचन, जाऊं मैं? अरे तुम जाओ, मैं यहीं पर फ्रेंकल भी, अगर तुमको कुछ होता है ना तो मैं पक्का पुलिस वाले को बुला लाऊंगा। वैसे भी गाइस अभी यार मेरे पास काफी ज्यादा पैसों की कमी आ रही है, तो लेट्स गो गाइस। आई थिंक भाई मेरे को जाना चाहिए और चेक करके आना चाहिए आखिरकार भाई अंदर है क्या। मैं तो जा रहा हूँ सिंचन। अरे बाप रे, ये कहां गया मैं? लो भाई मैं तो गिर और गया गाइस, ये कैसी बंकर है, उठना पड़ेगा। अरे बाप रे, यहाँ कितना अंधेरा है भाई। एक सेकंड वेट यार गाइस, मेरे पास काफी कमाल की चीज है भाई, इससे गाइस आई थिंक उजाला हो सकता है। अच्छी बात है गाइस मेरे पास यार ये फ्लेयर गन है, लेकिन वेट, फ्लेयर गन भाई इसमें से जो स्मोक निकलता है वो क्यों नहीं निकल रहा? अरे यार भाई मैंने तो गाइस गलती जंप मार ली यहाँ पर। चलो फिर भी गाइस थोड़ा बहुत तो उजाला कर ही रही है ना यार ये फ्लेयर गन। वैसे गाइस सोचने वाली बात ये है भाई, ये पानी कहाँ से आ रहा है यार, ये पानी कहाँ से टपक रहा है, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। और गाइस आई थिंक भाई मैं यहाँ से आया हूँ, ये जो गाइस आप सर्कल देख रहे हो ऊपर की तरफ, इसमें से गाइस मैं गिरता पड़ता आया हूँ और भाई यहाँ नीचे आके गिरा हूँ। वैसे सोचने वाली बात ये भी है गाइस, आखिरकार ये भाई बंकर है कितनी बड़ी। यार सच बताऊं तो गाइस मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। और यहाँ पर एक ये रास्ता है गाइस जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत उजाला है। चलो भाई यहाँ पर उजाला है, अब गाइस मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, कम से कम उजाला तो मिला मेरे को। वैसे गाइस एक बार ये चेक करो भाई, ऊपर की तरफ गाइस कुछ पाइपें भी हैं। मेरे ख्याल से गाइस ये जो भाई बंकर है ना काफी पुरानी है। और वेट, मेरे को यहाँ पर साइकिल दिखाई दे रही है। अरे हाँ भाई ये तो साइकिल है। आई थिंक गाइस यहाँ पर भाई जो चीज मैं सोच कर आया था ना, जैसे गाइस मैं सोच कर आया था यहाँ पर मेरे को डायमंड मिल सकता है, साथ ही साथ में गाड़ियां मिल सकती है, लेकिन गाइस वो सब चीज तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही। और यहाँ पर भी गाइस कुछ साइकिल रखी हुई है भाई, काश साइकिल की जगह गाइस सुपर कार होती तो कितना मजा आता। अरे यार मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ गाइस, मेरे को तो ये सोचना चाहिए आखिरकार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। और ये मैं कहाँ पर आ गया भाई, ये बंकर तो सच में गाइस सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। आई थिंक ये कोई ट्रैक है गाइस, हाँ भाई जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है, मेरे ख्याल से गाइस ये वही ट्रैक है। लेकिन ये ट्रैक क्यों बना हुआ है यहाँ पर, मेरे तो गाइस कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अबे ये क्या था भाई, ये रोशनी कैसे निकली यार साइकिल के अंदर से। चलो यार अब गाइस मैं सबसे पहले वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ से गाइस मैंने इस बंकर के अंदर एंट्री मारी थी ना, वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं गाइस वहाँ से भाई निकलने का रास्ता होगा या फिर नहीं होगा। देखो गाइस अभी जहाँ पर मैं गया था ना वहाँ से गाइस इस बंकर का यार एंड था, और अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ से स्टार्टिंग है। ये बंदा है क्या? वेट यार वेट, ये कोई तो है भाई। आई थिंक गाइस मेरे को फ्लेयर गन चलानी चाहिए। अरे भैया माफ कर दो। अरे क्या चाहते हो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ओए रुको, ए रुक, तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहे? अरे भाई छोड़ दे भाई, मार मत दी हमको। अबे रुक जा वरना मैं सच में चला दूंगा भाई ये फ्लेयर गन, चला दूंगा। जा कहाँ रहा है भाई, जा कहाँ रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मैंने इसको क्यों देखा? अरे छोड़ दे भाई छोड़ दे। अरे प्लीज भाई एक सेकंड रुक दो, मेरी बात सुन, मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा भाई। अरे यार ये पूरी की पूरी बंकर बंद पर है चारों तरफ से, मैं अपनी जान कहाँ की बचाऊं, लगता है वही जाता हूँ जहाँ से भागते हुए आया हूँ। अरे रुक तो जा भाई, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, सुन तो ले। अरे चलो यहाँ पर मुझे साइकिल तो दिख रही है सामने की तरफ, अपनी जान बचाने के लिए मैं साइकिल लेके जाता हूँ उसके पास, और जब उसे ठोकूंगा ना साइकिल से, जब तो ये मर ही जाएगा, मुझे मार नहीं पाएगा। चलो गाइस यार ये बंदा मेरी तरफ खुद चल कर आ रहा है। अरे भाई तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये रे बेवकूफ, कहके तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? हमारे बॉस ने हमको यहाँ भेजा है और तू हमें जान से मारने आई? ये ले आया कैसे पड़ती यहाँ पे? अरे भाई तो क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। ये ले हम तेरे को जान से मारेंगे, अगर हमारे बॉस को पता लगा तू यहाँ पर आया है हमारे होते तो वो हमें खत्म ही कर देंगे, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे लगता है गाइस मेरे को ना चाहते हुए भाई इसको मारना पड़ेगा। ऐसे कैसे मार देगा, अब देख मैं तेरा अंत करूंगा, मुझे लगता है ये मुझे नहीं मार पाएगा। ये ले, अरे यार ठुक क्यों नहीं रहा तू? वैसे यार ये क्या निकल रहा है इसकी साइकिल में से, मेरे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पर ये जितनी भी साइकिल है ना भाई, साइकिल के अंदर से यार बूस्टर निकला है। हाँ तो टकले अब तू मेरी बात सुन, देख अब तू भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये ले, अरे बाप रे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, इसके पास गन है। लेकिन भाई ये मेरे को बाइक से क्यों मार रहा था? अरे अरे इसको हो क्या रहा है भाई, मैंने तो सिर्फ फ्लेयर गन इस पे चलाई है, फ्लेयर गन से ये जल कैसे सकता है? भाई यार अगर गाइस मैं इस पे फ्लेयर गन नहीं चलाता ना तो भाई आज ये मेरे को यहाँ पर मार ही देता, इसने गन चलाई भाई मेरे ऊपर। अरे मेरे तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है भाई डर। एक काम करता हूँ गाइस, जहाँ से भाई मैंने इस बंकर के अंदर एंट्री मारी थी ना वहाँ पर जाता हूँ, और वहाँ पर जाकर गाइस सिंचन चिल्लाता हूँ पक्का गाइस, या तो सिंचन नीचे आएगा या फिर गाइस सिंचन भाई किसी ना किसी को अंदर भेजेगा, जब भी गाइस मेरी जान बच सकती है। मेरे को लग रहा है भाई मेरी जान को यहाँ पे खतरा है, सच में मेरे को तो डर लग रहा है। ओए सिंचन मेरे छोटे भाई कहाँ है तू? भाई मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मेरे को सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है, मेरे को दोबारा से भाई उसी बीच पर जाना है। वेट 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 यार वेट, मेरे को गाइस कुछ अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ पर। और कोई आ रहा है क्या मेरी तरफ? गाइस एक तो पैरों के चलने की आवाज और साथ ही साथ में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, आपको आ रही है क्या? भाई मैं अपनी फ्लेयर गन गाइस अपने साथ ही रखूंगा, क्योंकि गाइस ये भाई जो मेरी जान बचा सकती है। बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी
भाई उसने मेरे चेले को मार कर अब वो जहाँ भी है जिस भी हालत में है मेरे हाथों से वो नहीं बच सकता। अब देखता उसे कौन बचाएगा। वो चाहता तो इसको छोड़ सकता था लेकिन उसने इसे मारा। कहाँ है अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वेट ये कौन है भाई जो साइकिल से आ रहा है। अपने हाथ ऊपर कर और घुटने टेक यहाँ पर मेरी जगह पर आके तूने मेरे आदमी को मारा। अपने पीछे देख मेरा एक और आदमी है यहाँ पर इसे भी मारेगा। मार के दिखा ये मेरी जगह है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। घुटने टेक घुटने नहीं तो अभी अपनी आंख में से लेजर निकाल के यही तुझे राख कर दूंगा। तुझसे मुझे पता भी तो करना है तू यहाँ पहुंचा कैसे मेरे अड्डे पर। अरे प्लीज यार तुम में से कोई जाओ ना और मेरी फ्रेंगल भैया को बचा के लाओ। गाइस अभी अभी मैंने पुलिस कंप्लेन तो करी है। पता नहीं यार पुलिस वाले कब आएंगे। और गाइस आपको पता है इसके अंदर से यार फ्रेंगल भैया की आवाज भी आ रही है। वो बचाओ बचाओ कुछ तो कर रहे थे और यहाँ पर ये भीड़ भी आई है। बच्चे मैंने सुना है अंदर से बचाओ बचाओ तो जगह आ रही है और ये जो जगह है ना ये एक सीक्रेट जगह है समझ रहे। अरे टकले अंकल प्लीज यार जाओ ना अंदर और मेरे फ्रेंगल भैया को बचाओ। अरे सीक्रेट जगह में ना कभी जाने नहीं चाहिए। और ये सीक्रेट जगह ना कल तक तो यहाँ पे थी नहीं। हम डेली इस बीच पे आते हैं लेकिन आज इस बीच पर हमको ये सीक्रेट जगह दिख रही है। अरे यार तुम्हारा मतलब यहाँ पर ये जगह पहले नहीं थी क्या। ना बच्चे ना कल तक तो नहीं थी लेकिन आज ही आई है। अरे पर तुम यार सारे के सारे डरपोक। अरे जाओ ना प्लीज अंदर जाओ यार तुम में से कोई। हमें डरपोक बोल रहा है तू चले जा। अरे मैं कैसे जाऊँ अगर मैं अंदर चले गया ना तो मैं और फ्रेंगल भैया दोनों फंस जाएंगे। उसके बाद यार हमको बाहर कोई भी निकल पाएगा। और गाइस चौप का बच्चा तो चले गया पता नहीं कहाँ पर शायद स्वीटी से मिल गया होगा। अब गाइस मेरे को ही कुछ करना होगा लेकिन क्या करूँ यार पुलिस वाले को बुला के लाऊं क्या। हाँ गाइस एक काम करता हूँ जाता हूँ और फटाफट से यार उन लोगों को बुला के आता हूँ। वो यार मेरे फ्रेंगल भैया को बचाएंगे या फिर लेस्टर भैया को बुलाऊं। हाँ यार लेस्टर भैया के पास चलते हैं क्या पता लेस्टर भैया हमारी कुछ हेल्प कर सके। और गाइस यार अगर आप भी चाहते हो यार फ्रेंगल भैया यार वहाँ से एकदम सही सलामत बाहर निकल जाए तो प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। हाँ गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो ताकि गाइस फ्रेंगल भैया यार एकदम सेफ बाहर आ जाए। मेरे को तो गाइस सच में काफी ज्यादा घबराहट हो रही है यार। सोचो अगर फ्रेंगल भैया को कुछ हो गया तो यार मेरा क्या होगा। मेरे को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा। इसलिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से। और देखना चौप के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमको इतनी मुसीबत में छोड़ के पता नहीं कहां ही चली गया वो। अच्छा तो इसका मतलब तेरा कोई गलत इरादा नहीं था मेरे यहां पर आने का। अरे हां भाई जितना भी मैंने आपको बताया भाई वो एकदम सच बात है। अच्छा मतलब हमारी जगह तुझे एक पार्क में दिखी। पार्क नहीं भाई वो बीच है बीच। हाँ तो बीच में हमारी जगह दिखी वहां से तू इधर कूदा ताकि तेरे को काफी सारा पैसा मिल सके और तू अमीर हो सके। बिल्कुल सही भाई मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। और मैं तो भाई आपके लोगों को जानता भी नहीं हूँ। भाई पहले उसने मेरे ऊपर गन चलाई उसके बाद यार मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर सिर्फ और सिर्फ ये फिलियर गन चलाई ना कि प्रॉपर गन चलाई। तो इसका मतलब तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे मैं सोच रहा था कि गरम तेल में उबालूंगा लेकिन अब वो गरम तेल मेरा वेस्ट जाएगा। अब मैं तुझे भेज रहा हूँ चुपचाप से तेरे शहर जहाँ से तू मेरे अड्डे में आया है। याद रखियो आज के बाद तू ना मेरी शक्ल देखेगा और ना मैं तेरी शक्ल देखूंगा और मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है तेरे को। अब मेरे अंदर मेरी पावर एक्टिवेट हो गई है समझ रहे ना। ओ वेट यार ये इस बंदे ने कैसे करा। अब मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ तू सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बारे में अपने माइंड के अंदर सोच समझ रहे। उसके बाद मैं तेरे को यहाँ से रवाना करता हूँ और आज के बाद हाँ यहाँ पर कभी आइयो भी मत। और मैं चेक करता हूँ आखिरकार हमारी ये सीक्रेट लोकेशन वहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट हो गई बीच के ऊपर। अगर ऐसा रहा तो लोग तो बीच पे से मेरे अड्डे पर डेली यहाँ पर आते रहेंगे। सोच रहा हूँ भाई सोच रहा हूँ मैंने अपने घर के बारे में सोचा ठीक है और जो तू यहाँ लेने आया था वो भी तुझे मिल जाएगा। अरे नहीं भाई ये मैं कहाँ गया। ये लो भाई बड़ी तेज लग गए। वेट यार मैं तो शायद अपने घर के बाहर आ गया। अरे हाँ ये तो मेरा घर और मेरे घर के बाहर भाई गाड़ियाँ लेकिन वेट मेरे ऊपर ये क्या हो रहा है। अरे गैस वो जो कोई भी चीज थी ना गैस जो मेरे को भाई उस बंकर के अंदर मिली थी गैस उसके अंदर भी भाई सेम टू सेम शकल के अंदर से और साथ ही साथ में गैस हाथ के अंदर से भाई ऐसा ही कुछ स्मोक निकला था और वो स्मोक गैस देखो भाई मेरे अंदर से निकल रहा है। लेकिन भाई सबसे अच्छी बात यह है गैस यार मैं अपने घर पर आ गया यार फाइनली यहाँ पर गैस मेरे को हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं गाड़ियाँ दिख रही है जो की प्योर यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट है। लेट्स गो चेक करते हैं भाई सिंचन यहाँ पर है या फिर नहीं है। ओए सिंचन जो भाई तुम कहो लेकिन गैस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चौप है। अबे बात सबको ले आ गया तू। मुझे तो पता था बात सबको ले वो एक बात सब होगी गंदे नाला बात सब गंदे नाली में गया होगा तू। अबे चौप के बच्चे वो कोई गंदा नाला नहीं था वो भाई एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ के लोग काफी अजीब थे भाई। लेकिन एक सेकंड गैस एक सेकंड भाई यहाँ पर चेक करो मेरे घर के अंदर ये कैश कहाँ से आ गया। अब बात सबको ले ये कैसे आ गया बात सब ये तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पे तेरे घर में पैसा कहाँ से आ गया। अरे चौप पहले तो ये बता तू यहाँ पर कब आया। मैं तो बात सबको ले बहुत पहले ही आ गया यहाँ पे और बात सब मैं यहाँ पर आया भी था पोटी करने लेकिन बात सब उस टाइम तो तेरे घर के अंदर इतना पैसा था नहीं। अरे मैं समझ गया चौप के बच्चे ये मेरे रूम के अंदर इतना सारा पैसा कहाँ से आया। भाई वो जो बंदा गैस मेरे को मिला था ना पक्का यार उसी ने गैस ये मेरे घर के अंदर पैसा दिया होगा और साथ ही साथ में गैस घर के बाहर
बाहर यार गाड़ी भी दूंगी, लेकिन चॉप सिंचन का है? मुझे नहीं पता बात सब सिंचन का है। बात सब बोले काम कर मिल ले, बात सब थोड़ी पेडिग्री लिया। अबे चॉप के बच्चे थोड़ी देर शांत हो जाओ, मेरे को जाना हुआ गैस। पक्का यार सिंचन यार मिल ले कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, क्योंकि गैस वहां पर भाई मैं हेल्प हेल्प झेल रहा था, क्या पता गैस सिंचन को मेरी आवाज आई हो। तो पक्का गैस सिंचन भाई मेरी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो गैस यार सिंचन ने भी भाई उस बंकर के अंदर एंट्री मार ली हो। और सोचो भाई सिंचन उसके अंदर गया तो क्या होगा, अरे यार वो लोग तो काफी खतरनाक है, सिंचन को छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जाना होगा गैस सिंचन को बचाना होगा। बस यार एक बार सिंचन को बचा लू ना, उसके बाद तो गैस मेरे पास काफी पैसा यार। सबसे पहले तो गैस अपने लिए काफी बड़ा घर खरीदूंगा, उसके बाद गैस ये जो मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां है ना, इनके लिए गैस उस घर के अंदर काफी बड़ा गैराज भी बनवाऊंगा। और यार पूरी की पूरी गाड़ी की कलेक्शन बनाएंगे हम। तो गैस अभी पूरे के पूरे यार 5 घंटे बीत चुके हैं, और एक बार ये चेक करो गैस अभी मैं और सिंचन भाई है कहाँ पर। गैस ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये गैस मेरा और सिंचन का भाई न्यू घर है, जो कि गैस अभी अभी जस्ट हमने परचेज करा है। और सच में गैस ये काफी बड़ा घर है और काफी महंगा भी है, लेकिन गैस अपने पास तो काफी पैसे आ गए अपने लिए, गैस क्या ही महंगा, हमने तो इसलिए गैस परचेज ही कर लिया। अरे फ्रेंगल भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फ्रेंगल भैया ड्रोन भी दिखा दो यार अपने दोस्तों को। हाँ सिंचन ये तो सही कह रहा है, फटाफट से गैस मैं ड्रोन उड़ाता हूँ। और एक बार ये चेक करो गैस, ये है हमारा न्यू घर। और भाई मेरे को गैस इस घर के अंदर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये गाड़ी आप चेक कर रहे हो, ये गैस इस घर के ओनर की थी, जो कि गैस उस बंदे से गैस मैंने ये सारी की सारी गाड़ियां भी खरीदी और उसने मुझे दे भी दी। इसका गैस गैराज भी है और वो काफी बड़ा है। आई थिंक सिंचन इस गैराज के अंदर 4 या फिर 5 गाड़ियां तो आई जाएंगी इजिली। और ये चेक करो गैस अपना घर कितना ब्यूटीफुली लग रहा है। चले फ्रेंगल भी अब एक काम करो, मेरे को पार्टी दो। एक काम करते हैं सिंचन, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके अंदर सिंचन अपने सभी दोस्तों को बुलाते हैं और वो पार्टी गैस हम करेंगे भाई अपने इसी न्यू घर के अंदर। हाँ गैस ये सही रहेगा। और गैस मेरे घर के बाहर यार एक हेलीकॉप्टर है और साथ ही साथ में गैस कुछ सुपर कार भी है, उनको भी गैस यहाँ पर बुलाता हूँ। उसके बाद गैस मैं बनाऊंगा यार कारों की कलेक्शन और साथ ही साथ में भाई बाइकों की भी कलेक्शन बनाएंगे। और गैस यार अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गैस, फ्रेंगिल सिंचन आपकी भाई तो यार फटाफट गैस अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और गैस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गैस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे गैस जब हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलता है गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गैस प्यार वाला बाय।